और स्क्रीन शेयरिंग। अच्छा स्क्रीन शेयरिंग तो पहले से चल रहा था। चलो जान दो, शायद यही क्वेश्चन दे रखा था ना। बोलो भाई जल्दी, यही क्वेश्चन था ना। यस सर, यस सर। ओके शुरू करते हैं। तो जिसमें जैसे दे रखा है 672 ml ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन एट NTP वेर फाउंड टू वेट 1 ग्राम, कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन द ओजोनाइड ऑक्सीजन। तो ठीक है, आंसर तो हमको नहीं मालूम क्या है, सॉल्व करके देख लेते हैं। जैसे सवाल में दे रखा 672 ml ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन का मतलब है O3 एंड O2 वाले पार्ट का एक मिक्सचर। इस चीज को हम लोग ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन भी बोलते हैं। ठीक है, पहला चीज तो इसका जो वॉल्यूम है वो दे रखा है 672 ml के बराबर। बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं इससे। तो अगर 672 ml है तो यहाँ से नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं हम लोग आराम से। नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू टोटल वॉल्यूम अपॉन 22.4। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जैसे यहाँ पे ml दे रखा, जबकि हम लोग 22.4 वाले पार्ट को लीटर के फॉर्म में रखते हैं। तो पहले ml वाले पार्ट को लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो अगर कन्वर्ट करेंगे तो 672 × 10⁻³ -3 / 22.4 लीटर वाला पार्ट आएगा, ऊपर भी लीटर वाला पार्ट आएगा जो कि कैंसल आउट वैसे भी हो जाना है। तो इसके बाद 22.4, हाँ अभी एक चीज दिखाई दे रहा है, अगर ढंग से देखो तो अगर ऊपर 67.2 होता तो 22.4 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 67.2, इसका मतलब ये 3 टाइम्स कैंसल आउट होता है। तो 672 में जब हम लोग एक डेसिमल लगाएंगे तो यहाँ 10⁻²⁺ आराम से ले सकते हैं। तो अपना वैल्यू आएगा 3 × 10⁻²⁺ मोल्स। ये तो अपना बेसिक वैल्यू हो गया। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स मिक्सचर का जो है वो निकल के आ गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। फिर उसके बाद कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इन द ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। और एक और चीज इसमें मेंशन किया है 672 ml वेयर फाउंड टू वेट 1 ग्राम, मतलब टोटल जो वेट है वो 1 ग्राम के बराबर है। तो जैसे टोटल वेट अगर 1 ग्राम के बराबर है तो इसका मतलब तो ये है कि इस टोटल वेट वाले पार्ट में ओजोन का भी वेट होगा और साथ ही साथ ऑक्सीजन वाले पार्ट का भी वेट होगा। तो एक काम कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन को एक्स मान लेते हैं, या फिर इसी को वाई मान लेंगे, ज्यादा बेटर है, ओजोन को एक्स मान लेते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओजोन को एक्स मान लिया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ओ2 को वाई मान लिया। तो यहाँ से अपने कैलकुलेशन में O3 x है, O2 वाला पार्ट y है, तो उससे वॉल्यूम वाले पार्ट को भी रिलेट कर सकते थे, उससे हम लोग वेट वाले पार्ट को भी रिलेट कर सकते थे। चलो बढ़िया। हाँ इसमें एक चीज कर सकते हैं, जैसे पूरे मिक्सचर के अंदर केवल ओजोन और O2 है तो टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O3 मतलब ओजोन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 ऑक्सीजन होना चाहिए। एक पार्ट एक्स के बराबर है, एक पार्ट वाई के बराबर है, और लेफ्ट साइड में टोटल नंबर ऑफ मोल्स जस्ट कैलकुलेट किया था 3 × 10⁻²। तो यहाँ से एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 3 × 10⁻²² निकल के आ जाएगा। एक तो ये पार्ट हम लोग कैलकुलेशन के लिए आराम से कंसिडर कर सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू 3 × 10⁻²। ठीक है, पहला पार्ट हो गया। फिर उसके बाद एक और काम कर सकते हैं कि हम लोगों को टोटल वेट 1 ग्राम में रखा, तो हम लोग का जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वेट अपॉन मोलर मास। तो यहाँ से वेट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू मोलर मास। तो एक काम कर सकते हैं, वेट ऑफ O3 अगर कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ मोल्स एक्स के बराबर था और O3 का वेट 48 ग्राम के बराबर था, तो ये वैल्यू हो जाएगा। और वेट ऑफ O2 अगर कैलकुलेट करें तो नंबर ऑफ मोल्स वाई के बराबर था और इसका मोलर मास 32 के बराबर था। तो इस केस में दोनों का वेट निकल के आ गया, तो ऐसा लिख सकते हैं टोटल वेट इज इक्वल टू, वो तो खैर ऊपर लिखा भी था, टोटल वेट इज इक्वल टू O3 + O2 का वेट। तो O3 का वेट निकल के आ चुका है, O2 का वेट निकल के आ चुका है। तो इस केस में ऐसा कंसिडरेशन लिया जा सकता है कि जो हम लोग का टोटल वेट था वो 1 ग्राम के बराबर था, तो 48 × x
प्लस 32 इंटू वाई इज इक्वल टू टोटल वेट 1 ग्राम. तो देख के मालूम पड़ रहा है कि x और y वाले पार्ट में हम लोग के पास दो इक्वेशन है. अगर दो इक्वेशन है तो हम लोग आराम से दो वेरिएबल के हिसाब से काम कर सकते हैं. मतलब दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, आराम से इसको सॉल्व करके x निकाल सकते हैं, इसको सॉल्व करके y निकाल सकते हैं. तो फटाफट कैलकुलेट करके बताओ भाई कि x और y का वैल्यू कितना आएगा. x का वैल्यू बताओ, y तो चाहिए भी नहीं अपने को, x बताओ कितना आएगा. जल्दी बताओ. ये कौन है? वेलकम कौन है? वेलकम माइक्रोफोन ऑन है, कोई दिक्कत नहीं. कॉल करो एक बार, बता भी जल्दी एक्स कितना आएगा. So 6 into 10 to the power minus 2. 6 into 10 to the power minus 2? Yes, sir. X 6 into 10 to the power minus 2 आएगा. किसका है आंसर ये? सर अनुष्का. अनुष्का सोच समझ के देखो ऊपर. अगर x वाला पार्ट 6 into 10 to the power minus 2 होगा तो अपना जो टोटल वैल्यू है x plus y, ऐसा लिखा हुआ है x plus y is equal to 3 into 10 to the power minus 2. x वाला पार्ट ही टोटल वैल्यू से बड़ा हो गया, y कुछ तो होगा. जल्दी कैलकुलेट करो भाई, x और y कितना होगा. अरे ये ओ कौन है? ओ कौन है? ओ किसका स्क्रीन में नाम ओ दिखा रहा? भी हो गया. अरे जल्दी बताओ भाई, इतना टाइम लगेगा क्या एक्स और वाई कैलकुलेट करने में? चलो तुम लोगों के लिए कैलकुलेशन आसान करता है, एक और तरीका बता देते हैं इसका, ठीक है? कैलकुलेशन थोड़ा आसान कर रहा है और उसमें फटाफट कैलकुलेशन करके बताना. जैसे मान लो हम लोग एजम्पशन ले लेते हैं O3 वाले पार्ट का नंबर ऑफ मोल्स x है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ O2 वाला पार्ट y के बराबर है, मान के चल लेते हैं सबसे पहला पार्ट. तो अपना जो वेट ऑफ O3 है ये 48x के बराबर होगा, वेट ऑफ O2 वाला पार्ट 32y के बराबर होगा, ये तो अभी कैलकुलेट किया था. और टोटल वेट इज इक्वल टू वेट ऑफ O3 प्लस वेट ऑफ O2 इज इक्वल टू 1 ग्राम कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं. तो इस केस में 48x प्लस 32y इज इक्वल टू 1. एक तो ये वैल्यू हो गया सबसे पहला. दूसरा, जो हम लोग का ये फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू वॉल्यूम एट STP डिवाइडेड बाई 22.4 लीटर. तो यहां से विशाल सर, वॉल्यूम इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स इनटू 22.4 लीटर भी कंसिडर कर सकते हैं. तो यहाँ से भी एक कैलकुलेशन किया जा सकता है, बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं आएगा, लेकिन यहाँ से भी एक कैलकुलेशन किया जा सकता है कि वॉल्यूम ऑफ O3 अगर कंसिडर करें तो नंबर ऑफ मोल्स x इनटू 22.4 लीटर ले सकते थे, वॉल्यूम ऑफ O2 वाला पार्ट y इनटू 22.4 लीटर ले सकते थे. तो एक्चुअल में आंसर का कैलकुलेशन उसी टाइप का आएगा. सवाल में ऊपर दे रखा है वॉल्यूम वाला पार्ट 672 ml के बराबर,
तो अगर 672 ml टोटल वॉल्यूम है तो इसका मतलब O3 का वॉल्यूम प्लस O2 का वॉल्यूम, तो 22.4 इंटू एक्स प्लस 22.4 इंटू वाई इज इक्वल टू, टोटल वॉल्यूम कंसिडर कर सकते हैं 672, बट ml में है तो 10^-3, यहाँ से भी एग्जैक्टली वही चीज आएगा। बताओ भाई जल्दी, x का वैल्यू कितना आया और y का वैल्यू कितना आया? y तो चाहिए भी नहीं, x का वैल्यू कितना आया? किसी का आंसर नहीं है x का अभी तक। अरे बर्शन, तुम लास्ट क्लास किया था क्या? नो सर। क्यों नहीं किया था? सर फोन नहीं था मेरे पास, वो पापा बाहर गए थे। तो लेक्चर देखा जो अपलोड किया हम लोगों ने? YouTube में बाद में देख लूंगा। बाद में देख लूंगा तो आज कुछ बुझाएगा नहीं तुमको, बाद में देख लूंगा। हर एक लेक्चर कनेक्टेड होता है, 10th क्लास का बोर्ड चल रहा है क्या? कि एक दिन छोड़ भी देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। सॉरी सर, कंपटीशन की तैयारी करने निकले, इधर मजाक नहीं करने का है। अभी अनिमेश तू कहाँ गया था? आज पता नहीं था, सो गए थे। पता नहीं था, तुम सो गए थे? लास्ट क्लास में भी सो रहा था, आज भी सो रहा था। इस सीरियसनेस के साथ पढ़ाई करेगा तुम? और ऐसे तुम लोग का नीट क्लियर होगा? तो पूरे दिन भर सोने का फुर्सत है तुम्हारे पास, दोपहर में ही सोना होता है तुम लोगों को, फिर तो तुम्हारा नीट क्लियर हो गया। 2 साल के बाद आना तुम लोग मेरे पास, तो फिर मालूम पड़ेगा तुम लोगों को कि क्लास के टाइम पे सो रहे हैं तो एग्जाम के टाइम पे ना टाइम नहीं, मतलब टाइम खाली बैठा रहेगा, तुम लोगों के पास क्वेश्चन सॉल्व करने का कोई ऑप्शन नहीं होगा, बैठे रहेंगे पेपर देखते रहेंगे कि क्या करें, इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो ये याद आया कि 2 साल पहले सो रहे थे। पढ़ाई को लेकर कोई सीरियसनेस नाम की चीज ही नहीं होती है। तुम लोगों तो अभी होमवर्क देना शुरू भी नहीं किया, असाइनमेंट भी देना शुरू नहीं किया अभी तक। 12th वालों से पूछो कभी, अपने सीनियर लोगों से, जो अभी 12th क्लास में, कितना होमवर्क मिल रहा है, कितना असाइनमेंट मिल रहा है पर डे उनको? 60-70 क्वेश्चन मिलते हैं होमवर्क पर डे, कम से कम फिक्स है वो 60-70 क्वेश्चन। उसके अलावा बुकलेट में अलग से 30-40 क्वेश्चन होमवर्क मिल रहा है, मतलब पर डे एटलीस्ट 100-125 क्वेश्चन होमवर्क मिल रहा है उनको, तब जाके उनका स्किल डेवलप होगा। या मजे से सो रहे होते हैं? जो भी क्लास मिस करेगा उसको बिल्कुल क्लास से भगा देंगे। तो क्लास को बिल्कुल सीरियसली लिया करो, पढ़ाई के अलावा जो करना है करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। पढ़ाई के बाद हम बहुत मस्ती करेंगे, तुमको बहुत मजा आएगा, बहुत बकवास करते हैं हम। जिस समय क्लास खत्म उसके बाद तो फिर मेरा बकवास शुरू हो जाता है, उसके बाद कभी भी तुम मेरे से बात करो हम कभी भी सीरियस नहीं रहेंगे। लेकिन पढ़ाई का मतलब पढ़ाई, उस टाइम पे एकदम सीरियस माहौल होना चाहिए, एकदम सीरियसली पढ़ाई करना है। उसमें कोई ऊपर नीचे कुछ नहीं कि नहीं सर क्लास मिस कर गए, सर क्लास छूट गया था, सर क्लास छूट गया तो फिर कवर क्यों नहीं किया उसका लेक्चर अपलोड करके। मतलब तुम लोग से ज्यादा हम लोग ध्यान दे रहे हैं कि लेक्चर अपलोड करना आज रात को, रोज लेक्चर होते ही 8 बजे से लेकर के कल रात को सुबह 3:30 बजे तक लेक्चर हम लोग अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, क्योंकि लाइट नहीं था कल रात को, 9 बजे तक लाइट आया। तो तुमसे ज्यादा टेंशन हम लोगों को है तुम्हारे करियर का। नीट का एग्जाम कोई मजाक नहीं होता, लोग बोलते हैं कि हल्का क्वेश्चन होता है, नीट का एग्जाम क्लियर करना ज्यादा डिफिकल्ट है, क्योंकि 550 नंबर भी अभी आजकल ये नहीं मिल रहा है। इस साल हम लोग यहाँ के स्टूडेंट ड्रॉप करके एडमिशन ली थी, 531 मार्क्स था उसका, उसका MBBS नहीं मिला। और यहाँ 500 नंबर लाने में लोगों की हालत खराब हो जाती है, 531 मार्क्स के लोगों को MBBS नहीं मिल रहा, और तुम्हारे जैसे नालायक लोग तो बिल्कुल कुछ नहीं होगा। एक दिन चलो समझ में आता, सोए रह गए, आलसी हो गए जैसे रोज सोए पड़े हुए हैं। हम लोग तो कॉल भी नहीं कर, हम लोग तो कॉल कर देते हैं, दुनिया पूछने वाली भी नहीं होती है। हम लोग डाउट क्लास दे देते हैं, असाइनमेंट सॉल्व करते हैं, डाउट पूछते हैं, कोई डाउट हो तो पूछते हैं, कोई नहीं डिस्कशन करता है। और हम लोग भी करना बंद कर देंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेगा सिलेबस, उसके बाद पूछने भी नहीं जाने वाले। अभी टाइम इनिशियली समझाने का तो समझा दे रहे तुम लोगों को, अदरवाइज हम बिल्कुल नहीं समझाएंगे तुम लोगों को, किसी को नहीं समझाएंगे हम। यही काम बच गया कि वो समझाते रहे तुम लोगों की, सोना नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करना है, दिस करना, दैट करना है। पढ़ना पढ़ो, नहीं पढ़ना मत पढ़ो, तुम्हारी प्रॉब्लम है भाई, हम लोग की प्रॉब्लम थोड़े ना है।
ट्राई करके देखो, बाकी जगह भी ऑनलाइन लेक्चर्स ट्राई करके देखो, इतने सारे जगह है ना, सब जगह ट्राई करके देखो, तुमको भी दिख रहा है डिफरेंस कि हम लोग जिस तरीके से ऑनलाइन लेक्चर दे रहे हैं और बाकी लोग जिस तरीके से ऑनलाइन लेक्चर दे रहे हैं, तो हम लोग का विजिबिलिटी ठीक है, तुम्हारे पास कॉन्टेंट अच्छा जा रहा है, लगातार हम लोग डिस्कशन कर पा रहे हैं, डाउट आराम से तुम लोग पूछ पा रहे हो, इधर क्लास चलता है तो हम लोग अपना फैन ऑफ करके रखते हैं ताकि आवाज क्लियर जाए, गर्मी में हम लोग अपना फैन ऑफ करके रखते हैं, तुम लोग को मजे से सोना होता है। नेक्स्ट क्लास से जो भी इस तरह का हरकत शो करेगा सीधा उसको क्लास से बाहर निकाल देंगे, इस चीज का ध्यान रखना। चलो भाई जल्दी बताओ एक्स्ट्रा वैल्यू कितना होगा। आया अनुष्का, आया आंसर, अनुष्का ये सब कर रहे हैं, वो इक्वेशन नहीं दिख रहा था। इतना टाइम लगेगा जी, गजब नालायक लोग तुम लोग, क्या वैल्यू था अपने पास, x plus y is equal to 3 into 10 to the power minus 2 और दूसरा वैल्यू था 48 plus 32y, 48x plus 32y is equal to 1। तो एक काम करते हैं, निकालना तो अपने को x है तो हम 32 से डिवाइड कर देते हैं इस चीज को, तो x वाले पार्ट में 48 था, 48 by 32 plus y is equal to 1 by 32 लिखा जा सकता है, तो यहां से कैलकुलेशन में हम लोगों का जो वैल्यू है उसको इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर लेते हैं, अगर इक्वेशन 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो यहां से वैल्यू में 48 minus 32 x divided by 32 होगा is equal to 1 by 32 minus 3 into 10 to the power minus 2 होना चाहिए वैल्यू। तो 1 by 32 का मतलब हो जाएगा, अगर हम लोग इसको कैलकुलेशन में 100 by 32 into 10 to the power minus 2 कर दे, तो 100 by 32 into 10 to the power minus 2 minus 3 into 10 to the power minus 2, तो उसके हिसाब से 48 minus 32 16 दुने 32 16 ती 48 16x divided by 32 ये cancel out होगा 2, मतलब x by 2 is equal to सामने वाले पार्ट में 32 into 3 मतलब 96, 96 का मतलब 4 by 36 into 10 to the power minus 2 होना चाहिए, उसके हिसाब से ये cancel out होगा 9 times और बाकी बचेगा ये 2 ऊपर जाएगा, तो x is equal to 2 by 9 into 10 to the power minus 2 आना चाहिए। क्या घटिया कैलकुलेशन भैया तुम लोगों का, इतने देर से कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हैं, ये तो 9th वाला से भी आराम से बन जाएगा सवाल, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल 9th में पढ़ाया जाता है ना जी, 8th में पढ़ाया जाता है, कौन सी क्लास में पढ़ाया जाता है, हां भैया आदर्श बताओ, आदर्श आवाज आ रही है, यस सर, कौन सी क्लास में पढ़ाया जाता है ये चीज, 9th नाइन्थ में पढ़ाया जाता है, नालायक टेंथ में पढ़ाया जाता है ना जी, कैसा नालायक है तुम, मालूम ही नहीं अभी टेंथ में पढ़ के आया, लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल भूल भी गया कि नाइन्थ में पढ़ाया जाता है कि टेंथ में। चलो नंदो अब इस कैलकुलेशन वाले पार्ट को छोड़ो, हम लोगों का सवाल क्या पूछा है ये देखते हैं, ठीक है, सवाल में दे रखा कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन, सवाल में नंबर ऑफ मोल्स निकालने तो बोला ही नहीं है, सवाल में वॉल्यूम कैलकुलेट करने बोला है, हम लोग क्या कैलकुलेट कर रहे थे, नंबर ऑफ मोल्स, तो हम लोग का जो नंबर ऑफ मोल्स है वो x वाला पार्ट निकल के आया 2 by 9 into 10 to the power minus 2 के बराबर, बट हम लोगों को वॉल्यूम ऑफ ओजोन निकालना था, तो हम लोग नंबर ऑफ मोल्स वाले पार्ट को आराम से 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करके काम कर सकते हैं, तो जब 22.4 लीटर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 44.8 अप्रोक्सीमेटली इसको हम लोग 45 मान सकते हैं, तो अपना कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाएगा, 45 मानेंगे तो 5 into 10 to the power minus 2 liter अपना answer निकल के आ जाना चाहिए, ये अपना answer हो जाएगा 5 into 10 to the power minus 2 liter, थोड़ा बड़ा सवाल है लेकिन वैसे एक चीज ध्यान रखना, इस तरह का सवाल तुम्हारे examination का nature का नहीं है, मतलब तुम्हारे काम का नहीं है, तुमको इस तरह के question solve नहीं करना है, लेकिन जब हम लोग questions practice कर रहे हैं तो इस तरह के कुछ questions practice करेंगे ताकि तुम लोगों का जो concept है थोड़ा enhance होता चला जाए, ये काफी जरूरी होता है, इस चीज का थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, हाँ भाई एक बार देख लो ऊपर से, सॉल्यूशन छापना है तो छाप लो और इसके बाद फिर हम लोग अगले टॉपिक पे बढ़ना शुरू करेंगे, दोनों तरीका है, दोनों में से जो फॉलो करना होगा आराम से करते हुए काम कर सकते थे, पहले ऊपर वाले सॉल्यूशन नोट कर लो,
निकालने क्या बोला था सवाल में? अरे 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 सवाल में यार एक्चुअल में ओजोनाइज ऑक्सीजन निकालने बोला था, हम लोग ओजोन का वैल्यू निकाल दिए। नहीं ठीक है, वॉल्यूम ऑफ ओजोन ही तो बोला है। ठीक है कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। कैलकुलेट द वॉल्यूम ऑफ ओजोन इन द ओजोनाइज्ड ऑक्सीजन। ठीक है ओके। एक बार कैलकुलेशन को चेक कर लेना, अगर कहीं पे कोई एरर होगा तो पूछ लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और कितने लोगों ने ऑनलाइन पोर्टल पे जाके क्वेश्चन प्रैक्टिस किया था? तुम लोगों को बोला था एक वर्कशीट प्रैक्टिस करना है तुम लोगों को, कितने लोगों ने किया था? किसी ने भी नहीं किया, बढ़िया। सब के सब नालायक लोगों का जवाब बैठ गया है, नालायक और आलसी। तुम लोगों का नीट विट क्लियर नहीं हो रहा भाई, फालतू भुलाए मत बैठो, मेरा नीट क्लियर हो जाएगा। मेहनती लोगों का नीट क्लियर नहीं होता, बहुत मुश्किल चीज है। तुम लोग तो मेहनत ही नहीं है, छुट्टी में है बैठा हुआ, लेकिन तभी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का फुर्सत नहीं है तुम्हारे पास। तो फिर जब स्कूल शुरू होगा ना तो तुम्हारी तो हालत खराब हो जाएगी। सुबह स्कूल होगा, शाम में कोचिंग होगा, और होमवर्क भी इतना सारा रहेगा, कहाँ से बना पाएंगे? तो तुम लोगों से तो नीट नहीं होने वाला, बोर्ड का तैयारी कर लेना आराम से, ज्यादा बेटर होगा। चलो भाई जान दो अगले टॉपिक पे। ये कैलकुलेशन करना है तो कर सकते हैं, बस ये एक काम करो, ये आंसर नोट कर लो। मेरे हिसाब से कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, आंसर नोट कर सकते हैं। 5 × 10⁻²। बाकी कैलकुलेशन हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि खुद से कर लेंगे, ट्राई करके देख लेना। और आंसर नोट करने के बाद हेडिंग डालना नेक्स्ट, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। बहुत ही सिंपल सा थ्योरेटिकल पार्ट होगा जो आज हम लोग डिस्कस करेंगे, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। थ्योरेटिकल पार्ट तो है लेकिन सवाल काफी फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है इस टॉपिक से, मतलब रेगुलरली सवाल पूछा जाएगा तुम लोगों से इस पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर, तो थोड़ा अपने को ध्यान रखते हुए काम करना होता है। एक सेकेंड, हाँ, लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हम लोग सबसे पहला लॉ जो डिस्कस करते हैं वो नॉर्मली होता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और जिससे सवाल पूछेंगे वो जवाब देगा राहुल। राहुल आज नया नाम दिखाई दे रहा है, राहुल का माइक्रोफोन अनम्यूट कर लो। राहुल आवाज आ रही है? गायब ही हो गया, भागी गया राहुल, बढ़िया। वृष्टि कौन है? वृष्टि नायर, कोई स्क्रीन पे नाम दिख रहा है वृष्टि नायर, कौन है भाई? आवाज आ रही है वृष्टि? नहीं। प्रीति, प्रीति आवाज आ रही है? आ भी रहा हो तो भी आवाज रिप्लाई नहीं करेंगे। आदर्श? यस सर। बताओ अभी क्या होता है लॉ कंजर्वेशन ऑफ मास? अरे बोलना है जल्दी, कंजर्वेशन ऑफ मास क्या होता है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, जल्दी बताइए। गूगल कर रहा है क्या? अनिमेश सर, प्रोडक्ट साइड का और रिएक्शन साइड का दोनों का मास इक्वल होता है। अच्छा यही सुना है क्या, प्रोडक्ट का मास इक्वल टू रिएक्शन का मास? पक्का सर, मतलब राइट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वल रहता है और चलो बढ़िया, अभी बेइज्जती करेंगे तुम्हारा हम। मान लो ऐसा दे रखा कि
कैल्शियम कार्बोनेट वाला पार्ट है, टेंथ क्लास में सब लोगों ने ये चीज पढ़ा होगा, थर्मल डिकम्पोजिशन में कैल्शियम कार्बोनेट को जब हम लोग हीट करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 का फॉर्मेशन होता है, राइट। मान लेते हैं कैल्शियम ऑक्साइड वाले, सॉरी कैल्शियम कार्बोनेट वाले पार्ट का 200 ग्राम लेके चलते हैं हम लोग, जस्ट लिया 200 ग्राम, कोई रिएक्शन अभी तक नहीं हुआ है, तो जब रिएक्शन नहीं होगा तो प्रोडक्ट का मास तो जीरो है, तो राइट हैंड साइड का मास लेफ्ट हैंड साइड के मास के बराबर कहाँ है, एक तरफ 200 एक तरफ जीरो है, दोनों बराबर नहीं हो सकता, पहले दोनों जीरो को मर्ज करना पड़ेगा, आगे दो लगाना पड़ेगा तब जाके बराबर हो पाएगा। बताओ अन्वेश कैसे सही हुआ तुम्हारा डिफिनेशन? बाद में जब हम लोग दो लगा दिए तो सही हो गया हमारा। इतना मार मारेंगे ना अनुष का, बताओ भाई व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास? सर अकॉर्डिंग टू दिस लॉ मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। अरे वो तो जनरल जनरल कन्वेंशन है, केमिस्ट्री के पर्सपेक्टिव में बता ना, केमिस्ट्री पढ़ रहा है वो तो फिजिक्स में होता है, कोई यूनिवर्सल चीज है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, केमिस्ट्री में क्या बोलते हैं, नाइन्थ क्लास में ही पढ़ा होगा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सर वो याद नहीं है, तुम लोगों को समझाया भी था, तुम तो नाइन्थ क्लास में, पुरानी पापी है। ऋषि बताओ भाई लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। सर मैंने भी मास ऑफ प्रोडक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ रिएक्टेंट ही पढ़ा है। तो लोग कहां से गलत चीज पढ़ लेते हैं, हमको समझ नहीं आता है। किसी को मॉडिफिकेशन करना है कुछ नया आदर्श? हां बस सर बताओ। सर मास ऑफ प्रोडक्ट्स इक्वल्स द मास ऑफ द रिएक्टेंट्स। ले कितने देर से क्या चल रहा था यहां पे मूवी, सब लोग यही तो बोल रहे हैं। और किसी को बताना है श्रुति? हेलो हाय श्रुति बताओ। सर वही पढ़े थे। वही पढ़े थे पक्का? पढ़े तो कुछ और थे, बोल कुछ और रहे हैं आप लोग। और कौन बच गया? प्रीति, अच्छा तुमसे तो बात हो गई थी। वृष्टि, ये वृष्टि कौन है पता ही नहीं चल रहा, रिप्लाई भी नहीं कर रहे। प्रशांत, हाँ भाई प्रशांत आवाज आ रही है? प्रशांत प्रशांत भी रिप्लाई नहीं कर रहा। चलो पढ़ा तो तुम लोग ठीक है, लेकिन पढ़ता तुम लोग गलत तरीके से। मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट कहीं भी नहीं दे रखा, एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखा है। एक तो हम लोग ये जनरल लॉ की बात कर लेंगे, फटाफट नोट करते जाओ। मास कैन Neither be created nor be destroyed. It always remains constant. It always remains constant during a reaction. During a reaction. ये तो general language है जो हम लोग को use करना है, but हम लोग जब normally chemistry के हिसाब से बात करेंगे, reactions के हिसाब से बात करेंगे, तो हम लोग वहाँ पे एक और term ज़्यादा specified way में बोल सकते हैं। ये लोग बोलते हैं ना mass of the reactant is equal to mass of the product, थोड़ा गलत है। जैसे मान लो ऐसा लिखा, calcium carbonate का अगर हम लोग 100 ग्राम लेके चलते हैं, तो जब हम लोग इसका थर्मल डिकम्पोजिशन कराएंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा प्लस CO2 बनेगा। अगर मान लेते हैं कि कम्प्लीटली ये पार्ट खत्म हो गया, मान लेते हैं कि कम्प्लीटली 100 ग्राम खत्म हो गए, तो कैल्शियम ऑक्साइड वाला पार्ट 56 ग्राम बनेगा और CO2 वाला पार्ट 44 ग्राम बनेगा। तो एक चीज देखो, 56 प्लस 44 कितना हो रहा 100। तो जितना मास हम लोगों का खत्म हुआ था एग्जैक्टली उतने ही मास का फॉर्मेशन हो रहा है। मास ऑफ द रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, मास ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम्ड इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म। जितना रिएक्टेंट का मास कम होगा उतना ही प्रोडक्ट का मास बनेगा, दोनों में डिफरेंस है। मास ऑफ द रिएक्टेंट इज इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट का मास रिएक्टेंट का मास बराबर है, ये अलग चीज है।
लेकिन जितना रिएक्टेंट का मास खत्म होगा उतना ही प्रोडक्ट बनेगा, ये थोड़ा अलग चीज है। जैसे अगर मान लो 400 ग्राम होता है और 400 ग्राम में से हम लोग 100 ग्राम हटा देते हैं तो बचेगा कितना, 300। तो हम लोगों का टोटल जो डिफरेंस है वो 100 ग्राम का आया, मतलब 100 ग्राम खत्म हुआ है। तो प्रोडक्ट वाले पार्ट में अभी भी 56 ग्राम बनेगा और 44 ग्राम बनेगा। तो जितना मास खत्म हुआ एग्जैक्टली उतने ही मास का फॉर्मेशन हो रहा है। तो इस चीज को हम लोग लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास बोल सकते हैं। मास ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी इक्वल टू मास ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम्ड और रिएक्टेड। तो इस डेफिनेशन का थोड़ा ध्यान रखना, मास ऑफ द रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू मास ऑफ द प्रोडक्ट, थोड़ा गलत डेफिनेशन है। इसको हम लोग ज्यादा प्रिसाइजली ऐसा लिख सकते हैं, ड्यूरिंग अ रिएक्शन, फटाफट नोट करते जाओ, ड्यूरिंग अ रिएक्शन मास ऑफ द रिएक्टेंट कंज्यूम्ड will be equal to mass of the product formed. Mass of the reactant consumed will be equal to the mass of the reactant formed. बचपन से पढ़ते आ रहे इस चीज को, 9th क्लास से पढ़ते आ रहे, तो इस चीज को हम ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं करेंगे आप लोगों के लिए, बस इतना ही डिस्कशन करेंगे। ऊपर एग्जाम्पल मैंने मेंशन कर ही दिया था, आपको ध्यान होगा इस चीज का। जो हम लोगों को क्लास 11th में मेन पार्ट डिस्कशन करने, जैसे जो सबसे पहला टॉपिक था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ये तो बहुत बेसिक था, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, केमिकल इक्वेशन के बैलेंसिंग में पढ़ते आ रहे हैं इस चीज को, 5th क्लास, 6th क्लास, 7th क्लास से। जो हम लोग का मेन पार्ट है, जो डिस्कशन में हम लोग यूज करना शुरू करते हैं, उसमें पहला पार्ट होता है लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन, और इस चीज को हम लोग आराम से कांस्टेंट प्रोपोर्शन भी बोल सकते हैं, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन और कांस्टेंट प्रोपोर्शन। और इसको इस तरीके से समझा जा सकता है, जैसे मान लो अगर हम लोग पानी की बात करते हैं, तो पानी वाले केस में अगर हम लोग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के मास का रेशियो निकाले, तो हाइड्रोजन का मास कितना है, तो 2 एटम है, मास नंबर 1, इसका मतलब 2 के बराबर वैल्यू आएगा। ऑक्सीजन का मास कितना होगा, तो 1 एटम है इनटू मास नंबर 16, मतलब 16 के बराबर वैल्यू आएगा। तो हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का जो मास रेशियो है वो हम लोग आराम से 2:16 मतलब 1:8 के बराबर लिख सकते हैं। अगर एक पार्टिकुलर केस में H2O का जो हाइड्रोजन ऑक्सीजन का मास रेशियो है वो 1:8 निकल के आया, तो भले ही हम लोग सोर्स चेंज कर दें, सोर्स चेंज करने का मतलब है हम लोग पानी जो है H2O को नदी से उठाएं या तालाब से उठाएं या टैप वाटर ले लें या रेन वाटर ले लें, हमेशा H2O के अंदर जो कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं, मतलब हाइड्रोजन वाले पार्ट और जो ऑक्सीजन वाला पार्ट है, उसका मास रेशियो हमेशा फिक्स्ड रहेगा 1:8 के बराबर। मतलब फिक्स होने का मतलब मास वाला पार्ट डेफिनेट रहेगा या कांस्टेंट रहेगा। तो इस चीज को हम लोग लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन आराम से बोल सकते हैं। कैसे इसको बोलेंगे, लैंग्वेज में इस चीज को नोट करना शुरू करते हैं हम लोग। पहले ऊपर के पूरे पार्ट को नोट कर लो, हेडिंग डाल दो और ये एग्जाम्पल भी नोट कर लो पहले, उसके बाद फिर हम लोग डेफिनेशन की बात करते हैं। पर इसके नीचे नोट करना शुरू करना, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट प्रोपोर्शन the mass ratio of each element
in a given compound according to law of constant proportion, the mass ratio of each element in a given compound always remains same irrespective of the source from which the compound is taken, irrespective of the source from which the compound is taken. हम लोग एक पर्टिकुलर कंपाउंड को किसी भी जगह से निकालेंगे, किसी भी जगह से उठाएंगे, उससे फर्क नहीं पड़ रहा. उस कंपाउंड के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होंगे उन सारे एलिमेंट्स का मास रेशियो हमेशा फिक्स्ड होगा. एक जगह से उस कंपाउंड को उठाओ, दूसरे सोर्स से उस कंपाउंड को उठाओ, हर जगह मास रेशियो फिक्स्ड होगा, क्योंकि H2O हमेशा H2O ही रहेगा. अब वो H2O वाटर का हो या फिर रेन वाटर का हो या टैप वाटर का हो या फिर पॉन्ड वाटर का हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा. हम लोग को इस चीज को हम लोग लॉ ऑफ कॉन्स्टेंट या डिफरेंट प्रोपोर्शन आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं. सिंपल सा केस है, इसमें मेरे हिसाब से ज्यादा दिक्कत नहीं होता है, लेकिन इससे एक कंक्लूजन भी निकाल सकते हैं हम लोग. जैसे अगर मान लो हर एक एलिमेंट का मास रेशियो फिक्स है, तो उस केस में हम लोग कंक्लूजन में दो तीन चीजें यहाँ कंसिडर कर सकते हैं. अगर मास रेशियो फिक्स है तो इस केस में एटॉमिक रेशियो भी फिक्स रहेगा. पहला पार्ट ऐसा लिख सकते हैं आराम से हम लोग, एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट विल ऑल्सो बी फिक्स्ड. एटॉमिक रेशियो ऑफ ईच एलिमेंट विल ऑल्सो बी फिक्स्ड. जैसे H2O है तो दो हाइड्रोजन का एटम एक ऑक्सीजन का एटम 2:1 हमेशा रहेगा. कहीं से भी उठाएंगे H2O 2:1 रहेगा, ये बिल्कुल फिक्स है. और एक और चीज भी कंसिडर कर सकते हैं यहाँ से, जैसे अगर मास का रेशियो सेम है तो मास का जो परसेंटेज है वो भी हमेशा फिक्स रहेगा. तो ऐसा भी लिख सकते हैं, मास परसेंटेज ऑफ ईच एलिमेंट each element will always be fixed in a given compound. एक कंपाउंड के अंदर जो मास का परसेंटेज होगा किसी भी एक पार्टिकुलर एलिमेंट का, वो भी हमेशा फिक्स्ड रहेगा. ऐसा हम लोग आराम से कंसिडर करते हुए काम कर सकते हैं. तो मेरे हिसाब से बहुत ही सिंपल सा ही टॉपिक है, इसमें ज्यादा तो हम लोग डिस्कशन करना है, कोई पॉइंट नहीं समझेंगे. बट ध्यान रखना, ये कंक्लूजन वाला पार्ट भी ध्यान रखना, सवाल को इस फॉर्मेट में भी आराम से कंसिडर किया जा सकता है. आज बहुत सारे क्वेश्चंस होमवर्क मिलेंगे तुमको, तो तुमको मालूम पड़ जाएगा उन क्वेश्चंस में कैसे हम लोग इस चीज को आराम से अप्लाई करते हुए काम कर सकते हैं. इसके बाद थर्ड हेडिंग डालना जो हम लोग को लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में डिस्कस करना होता है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन. सिंपल थ्योरेटिकल टॉपिक्स हैं, ये सब बचपन में भी आप लोगों ने सुन रखा है, इसीलिए हम लोग इस चीज को थोड़ा फास्टली डिस्कस करेंगे. ज्यादा इसमें टाइम खराब करने का कोई मतलब नहीं है, सवाल वगैरह भी नहीं पूछे जाते हैं. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन, पहले इसका स्टेटमेंट नोट कर लेंगे, फिर उसके बाद हम स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करेंगे, फिर उसके बाद एग्जाम्पल की बात करेंगे. चलो फटाफट नोट करते जाओ. व्हेन टू एलिमेंट्स combine to form two or more compounds,
then the mass ratio in which one element combine with the mass ratio in which one element combine with a fixed mass of another element when two elements combine to form two or more compounds, then the mass ratio in which one element combine with a fixed mass of another element will always have a simple whole number ratio. Will always have a simple whole number ratio. स्टेटमेंट नोट कर लो, बड़ा सा स्टेटमेंट है, स्कूल के एग्जाम के लिए याद भी रखना होगा, लेकिन हम लोग नॉर्मली डायरेक्टली बात कर सकते हैं. नोट करो भाई फटाफट. चलो ध्यान दो. वैसे एक तरीका समझ लेना, सिंपल सा तरीका है. जब भी दो एलिमेंट देगा ना, कोई क्वेश्चन में देगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछता है द फॉलोइंग केस इलस्ट्रेट विच लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन. इस तरह का सवाल पूछा जा सकता है कि इस केस में कौन सा लॉ ऑफ कॉम्बिनेशन है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है कि मल्टीपल प्रोपोर्शन है या फिर कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, कौन सा है, ये चीज पूछा जा सकता है. तो जब भी सवाल देगा उसमें बस एक चीज ध्यान रखना, अगर दो एलिमेंट दिए और उससे रिलेटेड दो या दो से ज्यादा कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया, तो इसका मतलब लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन का सवाल है. कैलकुलेशन करने की ज्यादा जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली भी बोल सकते हैं, बट कैलकुलेशन आना चाहिए. जैसे मान लो हम लोग कार्बन ऑक्सीजन की बात करते हैं, तो मालूम है कि कार्बन ऑक्सीजन CO भी बना सकता है, CO2 वाला पार्ट भी बना सकता है. तो अगर CO और CO2 दोनों बना सकता है, तो दो एलिमेंट्स मिलके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड बना दे, अपना काम हो जाएगा. अब इसमें होगा क्या, जैसे अगर मान लो हम लोग इस कंपाउंड में कार्बन और ऑक्सीजन वाले पार्ट के मास रेशियो की अगर बात करें, तो जो कार्बन वाला पार्ट है उसका मास 12 है, CO2 में भी मास 12 है, जबकि ऑक्सीजन वाला पार्ट CO के केस में 16 है और O2 वाले केस में, सॉरी CO2 वाले केस में 32 के बराबर है. तो हम लोग एक काम करते हैं नॉर्मली इसमें, कि जो हम लोगों का दो एलिमेंट है उसमें से एक एलिमेंट का मास हम लोग कॉमन कर देते हैं. जैसे एक चीज दिख रहा है यहाँ पे, कार्बन का मास पहले से कॉमन है, तो हम लोग कुछ करने की जरूरत नहीं है अगर कार्बन को रेफरेंस लेके चले तब. इस केस में कार्बन के 12 ग्राम के साथ अगर हम लोग कंसिडरेशन लेना शुरू करें, तो कार्बन के 12 ग्राम के साथ ऑक्सीजन का जो मास कंबाइन किया वो पार्ट 16 के बराबर है CO में, जबकि 32 के बराबर है CO2 में. तो कार्बन के फिक्स्ड मास के साथ ऑक्सीजन का जो कॉम्बिनेशन हुआ, उस मास का अगर हम लोग रेशियो निकाले, तो 16:32 मतलब 1:2 निकल के आएगा वैल्यू, जो कि एक सिंपल होल नंबर के फॉर्म में कंसीडर किया जा सकता है. तो अगर हम लोग एक एलिमेंट के मास को फिक्स करके, मतलब एक एलिमेंट के मास को सेम रख के उससे दूसरे एलिमेंट के मास का कैलकुलेशन करते हैं, तो जो भी मास निकल के आता उस मास का रेशियो हम लोग को देखना था, बस वो नंबर वाला पार्ट हमेशा एक फिक्स्ड रेशियो में निकल के आएगा, ऐसा बोल सकते हैं हम लोग. इसको दूसरे तरीके से भी देख सकते हैं, पहले देख लो तब एग्जांपल वाले पार्ट को नोट करना. जैसे ऐसा भी तो कर सकते थे कि जो अपना CO दे रखा और CO2, तो
तो कार्बन का मास तो 12 है दोनों में, बट ऑक्सीजन का मास 16 और 32 है। तो कोई अगर बोल सकता है कि सर हम लोग ऐसा नहीं कर सकते क्या कि ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बात नहीं कर सकते हैं क्या, कार्बन के रिस्पेक्ट में ही क्यों बात कर रहे हैं? तो अगर ऑक्सीजन के रिस्पेक्ट में बात करना है तो पहले ऑक्सीजन का मास सेम करना पड़ेगा। सेम करने का मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई करो तो 12 × 2 हो जाएगा, 16 × 2 हो जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू 32 निकल के आएगा। तब ऑक्सीजन वाले पार्ट का भी मास सेम निकल के आ गया। तो अब यहाँ ऐसा बोल सकते हैं कि हम लोग ऑक्सीजन के सेम मास के साथ कार्बन के जो मास का कॉम्बिनेशन कराए, तो ऑक्सीजन के 32 ग्राम के साथ कार्बन वाले पार्ट का जो कॉम्बिनेशन हुआ वो 24 ग्राम और 12 ग्राम के बराबर है। ऊपर वाले पार्ट में CO में 24 ग्राम है और CO2 में 12 ग्राम के बराबर वैल्यू दे रखा। तो ऑक्सीजन के 32 ग्राम के साथ कार्बन का जो मास का कॉम्बिनेशन हुआ CO में और CO2 में वो 24 और 12 आया। तो अगर इसका रेशियो निकालेंगे तो इस केस में वैल्यू अपना 2:1 आएगा। इसका मतलब वापस से एक होल नंबर वाला पार्ट निकल के आ गया, ऐसा कंसिडर कर रहा है। तो दो एलिमेंट दे रखा तो किसी का भी मास फिक्स कर दो, ऐसा जरूरी नहीं कि एक ही एलिमेंट लेना है। हाँ अग्निश बोलो। लेकिन दोनों का रेशियो तो अलग प्लेट हो गया, मतलब दोनों का रेशियो अलग हो गया, लेकिन सवाल में ऐसा कहीं मेंशन तो नहीं किया ना कि हम लोग के एलिमेंट का रेशियो फिक्स होगा। बस बोला गया है सिंपल होल नंबर रेशियो आएगा और अलग होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए? जैसे मान लो CO है और CO2, तो कार्बन के एक एटम के रिस्पेक्ट में अगर बात करें तो ऑक्सीजन का एक एटम और दो एटम कंबाइन कर रहा तो मास रेशियो 1:2 होगा। बट अगर ऑक्सीजन के एक एटम के रिस्पेक्ट में बात करते या ऑक्सीजन के दो एटम के रिस्पेक्ट में बात करते तो यहाँ C2O2 होता और CO2। तो ऑक्सीजन के सेम एटम के लिए कार्बन वाला पार्ट 2:1 रेशियो में कंबाइन कर रहा। तो अगर हम लोग पहले एलिमेंट को रेफरेंस मानेंगे फिक्स मास के लिए तो दूसरे एलिमेंट के मास का जो रेशियो आएगा, तो जब उल्टा करेंगे जब दूसरे एलिमेंट को मास के लिए फिक्स मानेंगे जो रेशियो निकल के वहां से निकल के जो भी रेशियो निकल के आएगा दूसरे एलिमेंट के मास का वो हमेशा उल्टा ही निकल के आएगा। तो हम लोग रेशियो के लिए रेफरेंस के वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, कार्बन की जगह ऑक्सीजन माना तो रेफरेंस को चेंज कर दिए, तो अपना जो रेशियो है वो वाला पार्ट भी जस्ट अपोजिट निकल के आ जाएगा, लेकिन हमेशा एक होल नंबर रेशियो ही निकल के आएगा, ये बिल्कुल फिक्स्ड है। इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना होता है। तो दोनों एग्जाम्पल्स नोट कर लो जिसको हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, सिंपल सा केस है, एग्जाम्पल में ज्यादा कुछ कॉम्प्लिकेशन नहीं है। एग्जाम्पल इसलिए मेंशन किया मैंने क्योंकि जब भी स्कूल में एग्जाम होगा तो स्कूल में विद एग्जाम्पल तुमको ये चीज मेंशन करना होता है, इसीलिए केवल स्कूल के वजह से इस चीज को हम थोड़ा इलैबोरेट करके मेंशन कर रहे हैं, अदरवाइज ऑब्जेक्टिव में ऐसा सवाल नहीं पूछा जाएगा। कल बहुत आंधी तूफान आया था बोकारो में, तो बहुत लोगों की जगह पे घर पे अभी भी लाइट नहीं आया है, इंटरनेट भी अच्छे से नहीं चल रहा। कल हम लोग का क्लास तो हो गया था किसी तरीके से, लेकिन फिर भी सर बढ़ गया घर के आसपास। क्या सर रात भर सो ही नहीं थे सर? क्यों? बड़ा पंखा उनका कुछ नहीं चल रहा था सर, पूरा मच्छर कट रहा। अच्छा, इसलिए अभी सो रहा था है ना? Yes, sir. अब आप समझ गए। अच्छा नहीं, सही बात है। अच्छा परसों क्या हुआ था ये बताओ। सर पता नहीं, टाइम फिक्स हो गया है सर, इसी टाइम में नींद आ जाता है। अच्छा तो परसों तेरी लाइट वाला बहाना कितना अच्छा था सर। सुबह तेरे स्कूल का क्लास नहीं होता है? अब सर 18 तारीख से वो लोग बोला है चालू करेंगे, अभी तक स्टार्ट ही नहीं किया। कौन सा स्कूल है तुम्हारा? होली क्रॉस। अच्छा नहीं, पेंटिकोस्टल का स्कूल शुरू हो गया सुबह, तो इसलिए क्लास नहीं लगा सकते। GGPS भी शुरू होने वाला है, सुबह क्लास अच्छा नहीं होता, उठा कर दोपहर में नालायक आते सोते रहता है। कल बहाना मार रहा है कि लाइट कट गया तो रात भर जागते रह गए, और आज परसों के लिए बहाना कुछ है ही नहीं। चलो भाई नोट कर लिया, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग।
जैसे ये दो टॉपिक्स में हम लोग और भी कुछ क्वेश्चंस को इंक्लूड कर सकते हैं या फिर कोई और एग्जांपल्स को इंक्लूड कर सकते हैं, जैसे नाइट्रोजन और ऑक्सीजन। तो इन दोनों का तो बहुत सारा एग्जांपल है, एनओ हो गया, N2O हो गया, NO2 हो गया, N2O3 हो गया, N2O5 हो गया, बहुत सारे एग्जांपल्स है। तो जब भी दो एलिमेंट्स मिलके दो या दो से ज्यादा कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करेंगे, इसका मतलब है हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आराम से बोलते हुए काम कर सकते हैं। ठीक है, सवाल में जब भी दो एलिमेंट्स से एसोसिएटेड ज्यादा कंपाउंड देंगे तो हम लोग लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन वर्ड यूज करते हुए काम कर लेंगे। ठीक है, इस एक चीज का थोड़ा ध्यान रखना। फिर उसके बाद एक और छोटा सा पार्ट है जो हम लोग कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन एक्चुअल में सिलेबस में नहीं है, एनसीईआरटी में भी नहीं दे रखा, बट थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए क्योंकि बुकलेट्स वगैरह में या फिर क्वेश्चंस वगैरह कहीं कहीं मिल जाते हैं। इस चीज को हम लोग लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बोलते हैं। वैसे एक काम कर सकते हैं, नहीं अच्छा चीज है, हेडिंग डाल दो लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। ये तुम्हारा होमवर्क है, जो भी रिसोर्सेस है तुम्हारे पास पहले इसको ढंग से समझ के आना, फिर लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन होता क्या है, फिर उसके बाद फिर आराम से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। ये पार्ट एनसीईआरटी में दे नहीं रखा है, लेकिन थोड़ा मालूम रखना क्योंकि कहीं कहीं क्वेश्चंस में ये नाम मेंशन किया हुआ रहता है, तो इसलिए ये चीज हम लोग को मालूम होनी चाहिए, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन। और नेक्स्ट क्लास के लिए ये होमवर्क होगा ही, ये होता क्या है ये चीज देख के आना है या मालूम करके आना है। अगर नहीं मालूम करके आएंगे हम सवाल पूछेंगे तो बहुत गाली सुनेगा तुम लोग, थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का। चलो भाई, इसके बाद अब हम लोगों को जो टॉपिक्स का डिस्कशन करना है, एक सेकंड रुक जाओ, हम थोड़ा बुकलेट तुम लोगों को शो कर देते हैं स्क्रीन पे। एक तो कुछ कुछ होमवर्क भी मिलेगा आज बहुत सारा, और होमवर्क के अलावा हम लोगों का ज्यादा टॉपिक बचेगा नहीं। अब इसके बाद जो भी टॉपिक्स हम लोग चलेंगे उन टॉपिक्स में मोस्टली अब हम लोग क्वेश्चन के फॉर्मेट में काम करेंगे, मतलब टॉपिक छोटा होगा, टॉपिक खत्म हो गया फिर उसके बाद क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन चलता जाएगा। तो इसलिए हम लोग अब इसके बाद मोल कंसेप्ट के मेन पार्ट में जाना शुरू करेंगे। अभी तक बेसिक्स चल रहा था, इन बेसिक्स के ऊपर हम लोग आराम से क्वेश्चन का सॉल्विंग कर सकते हैं। कहाँ है भाई मोल कंसेप्ट? इतना सारा बैच चल रहा है, इतना सारा असाइनमेंट हो गया, पता ही नहीं चलता कहाँ कौन सा बुलेट है क्या नहीं है। एक सेकंड थोड़ा लाइन पर रहो, बस तुम बुलेट पर भेज देता। बुलेट तुम लोग को मिल गया ना मोल कंसेप्ट का? यस सर। बुलेट तो मिल गया होगा क्योंकि होमवर्क भी दे रखा है उससे। एक सेकंड लग जाओ। चलो भाई ध्यान दो, एक तो ये पार्ट है, जैसे हम लोगों का बहुत सारा अभी थ्योरेटिकल पार्ट चलेगा इसमें। हाँ, ये यहाँ से क्वेश्चन है, तुम लोगों को मैंने शायद से काफी सारे क्वेश्चन कवर दे भी रखे थे। तो इसमें जैसे तुम लोग स्क्रीन दिख रहा होगा, स्क्रीन वाले पार्ट में सम बेसिक कंसेप्ट, तो बेसिक कंसेप्ट तो बहुत ही बेसिक है जो बच्चों ने पढ़ते आ रहे हैं, वो तो कवर हो चुका है हम लोगों का। उसके बाद ये जो टॉपिक था जो स्क्रीन पे दिख रहा है तुम लोगों को, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, एटम्स, मॉलिक्यूल, मोल, एवोगाड्रोस हाइपोथेसिस, ये सारा का सारा चीज हम लोगों ने एक एक करके डिस्कस कर लिया है। ठीक है, तो इससे सारे क्वेश्चन होमवर्क में कुछ तो दे भी रखे थे, कुछ आज भी हम लोग देंगे, वो सब क्वेश्चन आराम से सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद एक छोटा सा टॉपिक और होगा जो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं, ये पार्ट परसेंटेज कॉम्पोजिशन एंड मॉलिकुलर फॉर्मूला। इसमें एक छोटा सा टर्म आता है जो क्लास नाइन्थ में पढ़ा होगा, एम्पिरिकल फॉर्मूला, हम लोग उस चीज का यहाँ से यहाँ पे थोड़ा डिस्कशन करेंगे। और उसके बाद ज्यादा टाइम नहीं लेगा इसमें, मुश्किल से 15-20 मिनट का टाइम लेगा, ये टॉपिक आराम से कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट होता है वेपर डेंसिटी, बस एक छोटा सा फॉर्मूला है जो एनसीईआरटी में दे भी नहीं रखा अभी। इस चीज को हम लोग एक्चुअल में चैप्टर नंबर 5 में यूज करते हैं, लेकिन सवाल वगैरह वेपर डेंसिटी से एसोसिएट करके मोल कंसेप्ट में रखा जाता है, तो हम लोग ये डिस्कशन करना होता है। इसलिए देख भी रहे होंगे 3 ही क्वेश्चन है, जिसमें से एक क्वेश्चन तो डेंसिटी का सवाल है, अपने काम का नहीं होता ज्यादा। फिर उसके बाद मेन पार्ट शुरू होता है सेक्शन ई वाले पार्ट में, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन एनालिसिस। जैसे आज मैंने डिस्कशन किया कि अगर हम लोग 100 ग्राम लेके चलेंगे तो प्रोडक्ट कितना बनेगा,
तो कैसे बनेगा प्रोडक्ट उसको हम लोग इस पार्ट से आराम से डिस्कस करते हुए निकाल सकते हैं। तो यहाँ से कैलकुलेशन का पार्ट मेन पार्ट शुरू होगा अपना सेक्शन। इसी में एक आगे टर्म आएगा लिमिटिंग रिएजेंट, उसी का थोड़ा एक्सटेंडेड पार्ट है, उसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है जिसको हम लोग प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन बोलते हैं। बट ये जो टॉपिक है ये तुम्हारे सिलेबस का पार्ट नहीं माना जाता और हम सजेशन भी नहीं देते हैं कोई इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करे। टेक्निक है बेसिकली जिससे क्वेश्चन को बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन हम सजेशन नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं इस चीज को याद रखने का या फिर इस तरीके को फॉलो करने का? क्योंकि बहुत आसान है लेकिन गलती के चांसेस इसमें ज्यादा होते हैं। क्या गड़बड़ी हो सकता है वो तो गड़बड़ी हम लोग जब भी टॉपिक आएगा तब डिस्कस करेंगे। और उसके बाद जो सबसे लास्ट टॉपिक होगा अपना कंसंट्रेशन टर्म। तो अप्रोक्सीमेटली हम लोगों का 5 लेक्चर का टॉपिक या मैक्सिमम 6 लेक्चर का टॉपिक बाकी है। 6 लेक्चर में हम लोग का ये पूरा का पूरा टॉपिक आराम से कम्प्लीट हो जाएगा। हो सकता है कि तुम लोगों की क्लासेस की फ्रीक्वेंसी बढ़े अब ताकि हम लोग का सिलेबस आराम से तेजी से आगे बढ़ना शुरू हो। हम लोग का सिलेबस थोड़ा लॉकडाउन की वजह से थोड़ा डिलेड चल रहा है, अप्रोक्सीमेटली 15 दिन पीछे चल रहा है हम लोग। बट अदरवाइज हम लोग का सिलेबस ठीक ठीक चल रहा है। हम लोग जैसे ही सिलेबस मतलब क्लासेस का फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे सिलेबस हम लोग का अपने आप ठीक होना शुरू हो जाएगा। तो आज के लिए होमवर्क नोट करो फटाफट जो बोलते चले जा रहे हैं और सारे क्वेश्चन ढंग से ट्राई करके आना। सेक्शन बी पूरा सॉल्व करना है, पूरा मतलब क्वेश्चन नंबर 11 जो तुमको स्क्रीन पे दिख रहा होगा सेक्शन बी वाले पार्ट में। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 से लेके कुछ क्वेश्चन पहले भी होमवर्क दिए थे मैंने, नहीं भी दे रखे हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 से लेके 57 सर बीच में कुछ एक्सेप्शन? बीच में कोई एक्सेप्शन मेरे हिसाब से तो नहीं है, शायद नहीं है मेरे हिसाब से। अगर होगा तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, छोड़ देना उस सवाल को, खुद से मालूम करो क्या एक्सेप्शन है। तो ध्यान रखना भाई